मुझे मार्केट में कुछ काम है, शादी के लिए और अपने लड़की के लिए कपड़ा लेना है, तो मैं कपड़ा लेने के लिए मार्केट निकल रही हूँ। आप लोगों को मार्केट में पूरा मैं दिखाती चलूँगी, घुमाऊँगी। देखिएगा आप लोग कपड़ा कैसे मैं सेलेक्ट करती हूँ और इसको क्या सेलेक्ट होता है, पसंद करती है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो कौन सा कपड़ा पसंद करेगी। तो वहाँ पर चल करके मैं दिखाऊँगी आप लोगों को। चलिए पूरे मोतिहारी घुमाती हूँ मैं। तो स्टाइल बाजार का है यहाँ है। कहाँ टांगेंगे? पापा के लिए सब टाइम के लिए लगता है, बाल क्यों ही कटवाया? ये ठीक है क्या? किसके लिए? अपने अपने लिए। कैसा लग रहा है? ये ठीक ही लग रहा है, ठीक है ये थोड़ा। ये ठीक है थोड़ा। तो ऊपर से क्या पहनेगी? यही इसके अंदर पहन लेंगे ना, अंदर पहन लेंगे। ऊपर के बाद ही डे अंदर पहन लें। अब मेरे साइज का मिलता ही नहीं है तो मैं क्या करूँ?
एक बार का थोड़ी ना। ये तो ठीक लग रहा है। इसी सब टाइम के लिए लगता है बाल क्यों ही कटवाया। ये ठीक है क्या? किसके लिए? मैं अपने लिए। कैसा लग रहा है? नहीं है। अरे बैक ही की हुई हूँ, फोटो खींच ली हुई हूँ। अंदर नहीं, काफी सारे सामान देखे लेकिन लिया गया कुछ नहीं, एक चप्पल लेकर के आ गए। यहाँ पर आ गई, इसका कहाँ कहाँ ध्यान रहता है, क्या क्या देखने का जी करता है, ये बच्चे लोगों को होता है। क्रॉस कीजिए ना। मीना बाजार चलो बच्चे। पहले मॉल पर बहुत सारा दुकान लगाए हुए रहता था, बिल्कुल खाली कर दिया गया है नगर निगम की तरफ से, बिल्कुल क्लीन हो गया है और धीरे धीरे सफाई की जा रही है। मोती झील की सफाई हो रही है, गायत्री मंदिर है। खरीदवाने के लिए बोली थी कुछ और लिया गया कुछ और, और इधर से चलते वक्त मैं नाप देती चलूँगी सिलाई के लिए। जब पहनेगी तो सरप्राइज है, पहनेगी तब देखिएगा। ये पहले से जो ब्लाउज सिल करके रखे थे किसी का, वो उसको देना है तो उस पर प्रेस कर रहे हैं। तब तक मैं बैठी हुई हूँ और प्रेस कर लेंगे तो ये कपड़ा निकाल करके अपना नाप उठाएंगे बच्चे का, और यहाँ से दे करके मैं रूम पर चलूँगी। अभी मुझे लग रहा है इनका हो गया है, अब इसको हटा करके तब ये नाप लेंगे, हैंगर में लगाएंगे और फिर हैंगर में लगा करके इसे टांगेंगे, जिस कस्टमर का होगा उसको ये दे देंगे। करके आ चुके हैं, चलते हैं रूम पर, दिखाती हूँ मैं अपना सामान। अब बाबू का सामान तो चला गया सिलने के लिए, है ना बेटा? हम लोग रूम पर आ गए हैं, बहुत थक गई हूँ, मार्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा ही थकान महसूस होता है।
तो फिर आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग ऐसे ही हौसला बढ़ाइए। और आ करके मेरी लड़की फटाफट नाश्ते के लिए ये चावल फ्राई कर रही है, फटाफट ये चावल फ्राई करना शुरू कर दी है, नाश्ता करेगी। तो मैं थक चुकी हूँ, चलती हूँ, नाश्ता करूँगी, पानी पीऊँगी और फिर रेस्ट करने के बाद में तब ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने अपलोड करने जा रही हूँ। बाय।